हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैंने ना आज मटके में बनाया था जीरा राइस। तो यहाँ पे मैंने ना लगभग एक गिलास के लगभग चावल का यूज़ किया है। ये है बासमती राइस है ये। तो बस इसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी, दो तीन बार ही पानी में धोना है, धो के रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं मटके का यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने रात भर कड़ू तेल लगा के छोड़ा था। और इसे हाँ यूज़ करने से पहले थोड़ा गर्म कर ले, उसके बाद कोई भी चीज़ इसमें डाले तो वो क्या होगी ना, वो फूटेगी नहीं। तो मैंने इसे रात भर कड़ू तेल लगा के छोड़ा और इसका यूज़ करने से पहले गर्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें रिफाइंड डाला है, थोड़ा सा घी, एक चम्मच के लगभग जीरा डाला है, दालचीनी और दो इलायची। और फिर जब वो तरक गई ना तो उसमें मैंने चावल डाली है, चावल को भुना है थोड़ा सा। तभी जब भून गई, थोड़ी सी अच्छे से भून गई, तभी मैंने इसमें नमक डाला है और गरम मसाला। और हाँ, नमक जब भी डालो ना लास्ट में डालो, उससे क्या होता है ना चावल टूटेगा नहीं। अगर नमक डाल के अगर चावल भूनोगे तो वो टूटने लगती है। तो बस मैंने उसमें नमक डाला, गरम मसाला पाउडर डाला। और यहाँ पे मैं पानी नाप के उसी गिलास से दे रही हूँ। एक गिलास के लगभग मैंने चावल का यूज़ किया था ना, दो गिलास के लगभग मैं पानी डालूंगी। बस मैंने दो गिलास के लगभग पानी डाल दिया है और उसे तेज आंच पे खौलाया है, तो ये खौल रही है। उसे मैंने क्या किया, एक बॉल आने के बाद इसे कम आंच पे पकने दे, 2 मिनट के अंदर ये राइस रेडी हो जाएगी। बस मेरी जीरा राइस ये रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने बनाया है मसूर की दाल, मिक्स मसूर की दाल बनाई है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, धनिया पत्ती की चटनी है, खीरा पेस्ट कराया था। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।